आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जावा लेक्चर और जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में लूपिंग लूपिंग स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर। जहाँ पर इफ इफ एल्स एल्स इफ नेचुरल एल्स इफ स्विच केस हम लोग ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में लूपिंग। हम लोग देखते हैं व्हाट इज लूप, लूप क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लूप इट इज अ पार्ट ऑफ इटरेशन दैट कैन बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली। यानी कि लूप लाइक क्या होता है, लूप लाइक सर्कल, जैसे सर्कल गोल गोल घूमते रहता है, उसे लूप भी क्या होता है, लूप भी घूमते रहता है। बट लूप कब तक घूमता है, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जैसे जैसे उसकी कंडीशन फॉल्स लूप स्टॉप। सो लूप क्या एक इटरेशन है, और ये इटरेशन कब तक चलता है, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इटरेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो ऐसे ही लूप में तीन टाइप के लूप है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप इन जावास्क्रिप्ट, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये थ्री काइंड ऑफ लूप हम लोग पढ़ेंगे इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट होता है लूपिंग। हर एक प्रोग्रामिंग के लिए लूपिंग कंडीशन स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग सीख रहे हैं लूपिंग एंड कंडीशन स्टेटमेंट, ये हर एक प्रोग्रामिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं, फॉर लूप में सिंटैक्स क्या होगा। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, फॉर लिखना होगा फॉर, ब्लॉक बनाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड फॉर, फॉर लूप क्या होता है, इन कैटेगरी थ्री पार्ट्स। यानी जिसमें फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर मैं इनिशियल भी लिख देता हूँ शॉर्ट में, इनिशियलाइजेशन। देन उसके बाद आता है कंडीशन, कंडीशन, देन उसके बाद आता है इंक्रीमेंट, अदरवाइज डिक्रीमेंट। एंड जो जो मेरा कोड एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब जो कोड ऑफ स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर आएगा। ये रहा फॉर लूप का स्टेटमेंट। यानी कि फॉर लूप में क्या होगा, तीन स्टेटमेंट्स आएगा। यानी कि थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। इनिशियलाइजेशन मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कंडीशन यानी टिल कितने नंबर ऑफ टाइम लूप पर चलेगा, और इंक्रीमेंट डिक्री मतलब कितने, यानी जो इंक्रीमेंटेशन होगा वो कितने से होगा, इंक्रीमेंट बाय वन होगा या इंक्रीमेंट बाय टू होगा। वो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, वो हमारा थर्ड उसके अंदर डिपेंड होगा। देन उसके अकॉर्डिंग मेरा ये कोड ऑफ स्टेटमेंट वर्क करेगा, राइट। सो व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का संडे कुछ ऐसा होगा। व्हाइल लूप भी क्या है, एक लूपिंग ए पार्ट है। सो लूपिंग ए पार्ट है, तो ये भी इसमें व्हाइल लूप में क्या होता है, जैसे फॉर लूप के अंदर हम लोग एक ही लाइन के अंदर तीनों स्टेटमेंट लिख देते हैं, और व्हाइल लूप में क्या होता है, उसको हम लोग थ्री पार्ट में अलग सेपरेटली डिफाइन कर दिए हैं। यानी कि इनिशियलाइजेशन पहले हो जाएगा। इनिशियलाइज पहले करना पड़ेगा, फिर हम लोग को व्हाइल यूज करना पड़ेगा, व्हाइल, एंड कंडीशन यूज करना पड़ेगा। एंड कोड ऑफ स्टेटमेंट आएगा इसके अंदर आएगा, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये रहा व्हाइल का सिंटैक्स। एंड डू व्हाइल में क्या होगा, डू व्हाइल में सेम इनिशियलाइजेशन पहले करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, डू होगा। व्हाइल एंड डू व्हाइल में डिफरेंस ये डिफरेंस होता है कि व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, राइट। और डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेक होता है। यानी कि पहले डू, डू के अंदर मेरा आया कोड स्टेटमेंट लाइक दिस, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अंदर आ जाएगा। लाइक दिस। एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा व्हाइल जो मैं कंडीशन दूंगा, लाइक दिस। ये तो रहा सिंटैक्स जो हम लोग ने देखे फॉर लूप के, व्हाइल लूप के, डू व्हाइल के। अब हम लोग क्या करेंगे कि करके हम लोग सबके एग्जांपल देखेंगे, फॉर लूप के ऊपर, व्हाइल लूप के ऊपर एंड
डू वेल के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, यानी कैसे प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। सो देखते हैं, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल देखेंगे फॉर लूप के ऊपर। तो हम लोग HTML का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हम लोग बना लेते हैं। यस एड मैंने बना लिया है, एंड स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट टैग में बना लिया है। फाइल को सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से फाइल को सेव करना होता है। मैं सेव कर देता हूँ फाइल को, इसका नाम दे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल करके। ओके, एंड डॉट HTML सेव कर देता हूँ मैं। ओके, सेव कर दिया ना फाइल को। यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन कर देता हूँ मैं। ओके, लैंग्वेज जावा। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग को अब यहाँ कोड लिखना है। सो फॉर लूप का मैं यूज करूंगा, एक सिंपल सा एक फॉर लूप में प्रोग्राम बनाऊंगा। जैसे कि मुझे 110 नंबर प्रिंट करना है, तो नॉर्मली अगर मुझे फॉर लूप नहीं आएगा या ना नहीं पता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 बार डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू में 10 बार या तो मैं प्रिंट लिखूँ या मैं 10 वेरिएबल बना के इसको प्रिंट कराऊँ। ओके, जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन तो कोड भी मेरा बढ़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। ओके, सो मेरे पास फॉर लूप है, फॉर लूप के थ्रू मैं 1 से 10 नंबर इजिली प्रिंट कर सकता हूँ। ऐसे होगा, हम लोग देखते हैं। सो उसके लिए पहले फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट खाली ब्रैकेट ओपन कोड, एंड एक ब्लॉक ऑफ कोड मैंने बना दिया है। और यहाँ पर मुझे अपना देना पड़ेगा, यानी कि मुझे नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे 1 से 10 नंबर प्रिंट करना है। सो एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, आई करके वेरिएबल ले लिया, वही आई वेरिएबल यूज करूँगा। कोई भी आप ले सकते हो, जैसा नहीं कि मैंने जो लिया वही वेरिएबल आपको यूज करना है। सो आई इज इक्वल टू 1, यानी कि नंबर 1 से स्टार्ट होगा। टिल कब तक चाहिए मुझे, कितना नंबर चाहिए मुझे, 10 नंबर चाहिए। तो मुझे लूप को कितने नंबर चलाना पड़ेगा, 10 बार चलाना पड़ेगा। व्हाइल लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन एंड आई प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट बाय 1, यानी कि 1 से ही बढ़ेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, राइट। ओके, अब यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट जिसके थ्रू मैं अपना 1 to 10 नंबर को प्रिंट कराऊंगा। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई, मैंने यहाँ पर आई लिख दिया है सेमी कोलन। ओके, कंट्रोल एस कर दूंगा, मैं चेक करता हूँ मेरा 1 to 10 नंबर प्रिंट होके शो हो रहा है कि नहीं मुझे। सो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ मैं अपनी कोडिंग वाली फाइल की, अपनी जहाँ पर मेरी फाइल स्टोर है वहाँ पर आ जाता हूँ मैं। शेयर जावास्क्रिप्ट फोल्डर में आ गया हूँ मैं। यस, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ सिर्फ गूगल क्रोम जो भी ब्राउजर है आपके, सो ओपन कर दिया। ओके, सो मैं इसे भी शेयर कर देता हूँ। यस, ओके, दिख रहा है कुछ? हाँ सर। ओके, यस, दिख रहा है। ओके, ओके, 1 to 10 प्रिंट हो गया है। ये कैसा हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो गया है, मुझे वर्टिकली चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑफिस अपने कोड वाले फाइल में जाना पड़ेगा। ओके, मैं आ जाता हूँ। यस, सो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर br टाइप यूज करना पड़ेगा, br टाइप को ब्रेक द लाइन। ओके, जैसे कि हम लोग सी में स्लैश एन वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं इनसाइड द एचटीएमएल, तो हम लोग को br टाइप यूज करना पड़ेगा लाइक दिस। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस कर चुका हूँ मैं, अभी आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर की तरफ। यस, आ चुका हूँ, उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, सो ये मुझे वर्टिकली प्रिंट होके आ रहा है, दिख रहा है? हेलो, यस नो? हेलो, दिख रहा है दिखती? हेलो, हाँ सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ओके, ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है फॉर लूप। हम कोडिंग वाले फाइल में आ जाते हैं।
ओके तो इसमें ये 1 to 10 नंबर का प्रिंटिंग का प्रोसेस कैसे होगा, राइट? सो जैसे कि मैंने बताया इनिशियल मैंने जहाँ से मेरी वैल्यू स्टार्ट होगी, ओके स्टार्टिंग पोजिशन या फिर 1, फिर यहाँ पर क्या कंडीशन, कंडीशन चेक होगा कि जो 1 है 1 10 से लेस है, यस 10 से लेस है, इक्वल है ना, इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गई, राइट? कंडीशन ट्रू तो यहाँ पर पहला क्या जाएगा 1, यहाँ पर मेरा 1 प्रिंट होगा, ओके? और लूप कब तक तो चलता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती लूप चलता है, ओके? सब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है तो वापस से क्या होगा, यहाँ पर आएगा थर्ड पे आई प्लस प्लस, मतलब आई आई का पहला 1 है, अब वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर चेक होगा 2 2 लेस है 10 से, इक्वल है, इक्वल भी नहीं है और ये लेस है, राइट? सो कंडीशन ट्रू, अगेन कंडीशन ट्रू तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, ओके? फिर देन 2 इंक्रीज होगा 1 से तो 3 हो जाएगा, फिर 3 चेक हुआ 3 लेस देन 10 है, यस कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पर 3 प्रिंट होगा, तो ऐसे चलेगा 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल टू दिया, अगर 10 10 से लेस नहीं है बट 10 के इक्वल तो है तो भी कंडीशन ट्रू, तो 10 प्रिंट होगा, जैसे 10 इंक्रीमेंट होगा 1 से तो यहाँ पर 10 का 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर चेक होगा 11 छोटा है 10 से, नहीं इक्वल है, नहीं कंडीशन फॉल्स, ओके? सो मेरे को 1 से 10 में प्रिंट करके मेरे को दिखा दे, समझ में आया? ओके सो एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है बिटवीन 1 to 20 में जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो मुझे प्रिंट करना है, ओके? इवन नंबर मतलब 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 4 6 8 10 12, ओके? सो ऐसे नंबर्स आने चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही लूप का यूज करके मैं इसको इजीली कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आई को 2 से स्टार्ट कर दूंगा, 20 के तक चाहिए था ना, सो यहाँ पर आ जाऊंगा और सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब जो लूप होगा मैं इसको 2 से इंक्रीमेंट करा दूंगा इनिशियल 2 बंदी के, अब मैं चेक करता हूँ आ रहा है कि नहीं, रन करता हूँ, आ जाता ब्राउजर के फाइल की तरफ, रिफ्रेश कर देता हूँ, यस आ चुका है, ओके? ये तो मैंने किया था जस्ट, यस जस्ट मैंने इसमें अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में जस्ट वहाँ पर लूपिंग थोड़ा चेंज करके मैंने किया, ओके? तो अगर आपको कोडिंग या कुछ लॉजिक भी आपको इसमें अप्लाई करना है, जैसे कि आपको ऑड इवन का मैंने प्रोग्राम बताया था इफ एल्स में, तो आप वो भी इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज करेंगे, ओके? आपको लूप तो चलाना है 1 to 20 तक, तो मैं आई को वाई प्लस प्लस ही रहने देता हूँ, ओके? आपको अपना एक ऑड इवन वाला कंडीशन आपको देना है जैसा आप इसमें दे सकते हो, यानी कैसा है कि कोड के अंदर आप इफ यूज नहीं कर सकते हो, लॉजिक आपका लगाना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ओके? सो आई पर्सन टू, ओके मैंने लॉजिक लगा दिया ऑड इवन फाइंड करने का, ओके? अभी कैसा वर्क करेगा मैं बताता हूँ, पहले से रन कर देता हूँ एक बार, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं, सेव कर दिया, इसको मैं स्टॉप शेयर करूंगा, आ जाता हूँ मैं रिफ्रेश, यस यानी कि मेरा आंसर आ रहा है प्रॉपर, अब देखते हैं ये अभी कैसे काम करेगा इफ के साथ, इफ के साथ कैसे काम कर रहा है, सेम यहाँ पर जाएगा पहले कंडीशन 1 है, 1 चेक होगा यहाँ पर कंडीशन में 1 लेस देन 20, यस कंडीशन 2 कि 1 यहाँ पर अंदर आएगा, ओके? तो आई क्या है मेरा 1 है और 2 मेरा 2 नंबर है, तो मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, हाँ 1 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ओके? सो अंदर आएगा ही नहीं, ओके? सो उसको लेगा नहीं, फिर अगेन कंडीशन, अभी तो लूप तो मेरा लूप के अंदर ही है, फिर यहाँ पर 2 जाएगा आए, मतलब 1 इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 चेक होगा, 2 लेस है 20 से, अगेन कंडीशन ट्रू, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ से मैं चेक करूंगा 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस 0 आ रहा है, तो 2 को प्रिंट करेगा, ओके? तो ऐसे वो 1 से लेकर 20 नंबर तक हर एक नंबर को चेक करेगा और इवन नंबर को ही प्रिंट करेगा, क्लियर? ओके, सारे इवन नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये ले आई टू आई कर दूंगा, मैं आ जाता हूँ कोडिंग फाइल की तरफ, रिफ्रेश, यस स्क्वायर भी आ चुका है सारे इवन नंबर्स का, ओके?
किया। हाँ, ये कैसे किया? क्या बात दिख रहा है ये फाइल? हाँ, कोडिंग वाली फाइल दिख रही है? हाँ दिख रहा है। देखो इसमें क्या, देखो कोड क्या लिखा मैंने, सिर्फ आई एन टू वाई कर दिया मैंने, बाकी सब सेम कोड वही था, अच्छा सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, फिर समझ गए। ठीक है, हाँ ओके, तो मैं आ जाता हूँ। ओके, सो हम लोग कभी फॉर लूप के अंदर ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे टेबल प्रिंटिंग का, जैसे कि मैं कोई भी नंबर एंटर करूंगा उस नंबर का क्या होना चाहिए, टेबल प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, मैं जो नंबर डालूंगा उस नंबर का टेबल प्रिंट होना चाहिए, टेबल लाइक जैसे 2 2 2 2 4। ओके, सम काइंड ऑफ, सो कैसे होगा, चलो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, नंबर में डालूंगा टेबल आज, यस मैंने कर दिया। ओके, बोले लेता हूँ फोर ई, जिसमें मेरा टेबल आंसर आएगा। मैं आपको दस करता हूँ टाइम, ये लॉजिक कैसे निकाल लूंगा मैं, तो सिंपली ई इज इक्वल टू 10 इनटू आर। ओके, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा टी, सो देखते हैं आंसर आते हैं कि द लेस। ये ब्राउज़र की तरफ रन करता हूँ, यस प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया, यस मैंने टू एंटर कर दिया, देखिए टू टू का टेबल मुझे प्रिंट करके दिखाता है कि नहीं। ओके, तो यस टू का टेबल मुझे आ रहा है। ओके, मैं कोई और एक नंबर चेक कर लेता हूँ, सपोज मैं डालता हूँ 7 7, देखिए 7 का टेबल शो करता है कि नहीं। ओके, यस 7 का भी टेबल मुझे शो कर रहा है, राइट। अगर मुझे सपोज मुझे अगर प्रिंट करना हो 7 × 1 = 1, ओके, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में मुझे टेबल प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, करना पड़ेगा वैल्यू का आपका आएगा नंबर एन, ओके प्लस फिर आपको क्या दिखाना है मल्टीप्लीकेशन, प्लस फिर आपको क्या दिखाना है आपका आई जो नंबर होगा, प्लस और आएगा आपका इक्वल का साइन। ओके प्लस, यस मैंने कर दिया प्रोग्राम, मुझे सेव करना है। ओके, इस पार्ट को कॉन्क्रीनेशन, मैं कॉन्क्रीनेट करके सब कर रहा हूँ, मैं इसे स्टॉप शेयर एंड आ जाता हूँ ब्राउज़र की फाइल की तरफ। ओके, रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको मैं एक बार, यस 4 मिनट की, या देखिए क्या दिखाता है मुझे आंसर, यस राइट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसा कि हम देखते हैं 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 12, राइट। सो मैं कोई भी नंबर डालूंगा उस नंबर का वो टेबल मुझे फाइंड करके बताएगा, ठीक, देखिए 12 का दिखाता है कि नहीं, यस 12 का भी शो हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? क्लियर ओके, सो फॉर लूप में एक और प्रोग्राम करते हैं प्राइम नंबर का, चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, काफी इंपॉर्टेंट होता है प्राइम नंबर के प्रोग्राम वगैरह। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इट इज दोस नंबर, ओके कॉल इट सेल, यानी कि वो खुद के टेबल में ही वो नंबर आते हैं, जैसे 2 5 2 3 5 7 11 13, यानी कि ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में एंड खुद के नंबर से डिविजिबल होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं, मुझे चेक करना है जो मैं नंबर एंटर करूंगा वो नंबर मेरा प्राइम है कि नहीं, तो उसके भी प्रोग्राम बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, नंबर इनपुट तो करना ही मुझे, एक फ्लैग ले लूंगा C=0। ओके, आई ले लिया वेरिएबल के लिए,
4, I is equal to 2, I is equal to n divide n I. Okay, ये प्राइम नंबर का लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ वैसे ही इसी लॉजिक से प्राइम नंबर हो सकता है, ये मेरा लॉजिक है प्राइम नंबर करने का। एंड कोसाइन 2, इफ अगर वो नंबर मेरा इवेंट रहा तो ओके, इसके लिए अगर इवेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैग 1 हो जाएगा और यहाँ से लूप के काउंटर को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, लूप के काउंटर मतलब लूप को घूमना बंद कर देगा, जैसे अगर इवेंट नंबर मिलेगा फ्लैग 1 ओके काउंटर स्टॉप, देन यहाँ पर आऊंगा मैं इफ कंडीशन दूंगा इफ इफ सी इज इक्वल 1 तो इफ इफ सी डबल 0, अगर सी का वैल्यू 0 है तो नंबर प्राइम है, अगर फ्लैग 1 हो जाएगा तो नंबर क्या होता है नॉट प्राइम, तो नंबर मेरा इवन नंबर। वो मैं एलईडी यूज कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल सी नॉट प्राइम नंबर सेव कर दिया मैंने। चेक कर लेता प्रोग्राम मेरा राइट है कि नहीं, रन कर लेते हैं ब्राउजर में, यस एंड रिफ्रेश, कुछ तो प्रोग्राम मिस्टेक है देख लेते हैं। जाता हूँ ब्राउजर की फाइल, अंजन प्रॉब्लम शो कर रहा है, देख लेते हैं वो किसको क्या प्रॉब्लम, तो आ जाते हैं ब्राउजर की फाइल की तरफ, अपने ब्राउजर की फाइल क्योंकि कोड की फाइल शेयर हो रही है, ब्राउजर की फाइल की पा जाता हूँ मैं, यस आ चुका हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार कि यस मुझे नंबर पूछ रहा है, मैं एंटर करता हूँ, जैसे मैंने भाई एंटर किया 2, 2 क्या है मेरा प्राइम नंबर है, यस शो करा प्राइम नंबर राइट, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, दूसरा नंबर डालता हूँ 9, 9 क्या प्राइम है, 9, 9, 9 इट्स नॉट प्राइम नंबर ओके, 9 इज नॉट प्राइम नंबर, फिर से मैं रन करता हूँ और देखता हूँ 7 को, 7 का प्राइम नंबर ओके। अब ये कैसे वर्क कर रहा है हम लोग देख लेते हैं इसको जरा, आ जाता हूँ मैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल की तरफ ओके। जैसे कि आपने नंबर एंटर किया 2, सपोज मैंने 2 एंटर किया तो पहले क्या होगा 2 यहाँ पर जाएगा ओके, फिर यहाँ पर चेक होगा फॉर लूप में, आई इक्वल 2 दिया हूँ, आई इक्वल टू एन डिवाइड 2 ओके, मतलब आई 2 है और एन क्या है मेरा 2 है, तो मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या आएगा 1, और आई मेरा 2 है तो 2 लेस है 1 से, नहीं 2 तो ग्रेटर है 1 से, तो कंडीशन 2 की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो क्या होगा वो लूप के अंदर आएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर चेक होगा सी दिगड़ 0 है, यस 0 सी दिगड़ 0 है, मतलब नंबर क्या हो जाएगा प्राइम नंबर ओके। सपोज इंटर 4, अगर मैं सपोज 4 इंटर करता हूँ ओके, फिर यहाँ पर जाएगा 2 ओके, आई का मेरा 2 से स्टार्ट है, आई लेस देन इक्वल टू एन डिवाइड 2, मैं एन को एन क्या 4 है 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 2 से लेस है नहीं पर इक्वल है, यस कंडीशन 2 हो गई, अंदर आएगा एन क्या मेरा 4 है ओके, मैं यहाँ पर चेक करूंगा यानी कि मैं एन को एन क्या 4 है, आई क्या मेरा 2 है, बट 2 से 2
टू को डिवाइड करूंगा, आप मुझे यहाँ पर क्या रिमाइंडर मिल रहा है, तो मैं टू से डिवाइड करूंगा, जीरो आएगा रिमाइंडर, यस, तो नंबर क्या होगा, इवन नंबर, तो मतलब फ्लैग वन हो जाएगा, सी इक्वल टू वन, तो ब्रेक, यानी कि उसका काउंटर को वहां से ब्रेक कर देगा, फिर डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, आप चेक करेगा सी इक्वल टू जीरो, नहीं, सी का वैल्यू क्या हो चुका था, यहाँ पर वन हो चुका था, ओके, सो नंबर क्या होगा, फोर, वो नॉट प्राइम नंबर हो जाएगा, समझ में आया, ओके, सो ये था फोर, हाँ ये था फोर लूप, ओके, फोर लूप में जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, ये तुम ट्राई करना फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ओके ओके, सब कुछ एक पैटर्न का प्रोग्राम देखते हैं, जावास्क्रिप्ट में पैटर्न का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, पैटर्न लाइक ये था स्टार का पिरामिड देखते हैं, ओके, जैसे मैं दिखाता हूँ लाइक स्टार, स्टार फिर थ्री स्टार फिर फोर स्टार आता है, ओके, तो ऐसे पैटर्न के प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ओके, सो देखते हैं कैसे, कैसे बना सकते हैं, ओके, तो ऐसा हम लोग को जावास्क्रिप्ट में बनाना है एक पैटर्न का प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट वन टू थ्री फोर फाइव, लाइक ऐसा पिरामिड एक बनाना है, ओके, सो मैं आ जाता हूँ जावा कोड की तरफ, सो अभी जैसे ये पिरामिड प्रिंट करना है तो इसके लिए मुझे दो फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, जैसे हम बोलेंगे नेस्टेड फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, जहाँ पर एक फॉर लूप जो होगा लेयर चेंजिंग का काम करेगा और एक फॉर लूप होगा स्टार को प्रिंट करने का, एक स्टार प्रिंट का काम करेगा और एक लेयर चेंजिंग का काम करेगा, ओके, अभी कैसे होगा हम लोग देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, वेयर जहाँ पर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे दो फॉर लूप के लिए, एक मैं ले लेता हूँ आई, एक ले लेता हूँ मजे, ओके, देन फॉर लूप, फॉर लूप बना लिया है, वाई इक्वल जीरो स्टार्ट होगा, फायर तक मुझे लूप चलाना है, जो पहला फॉर लूप है मेरा वो लेयर चेंजिंग का है और जो मैं अंदर फॉर लूप जो यूज करूंगा वो क्या मेरा स्टार प्रिंटिंग का होगा, ओके, सो जे इज इक्वल टू वन, एल एन इक्वल टू आई वन जे, ओके, टैप, ओके, अब देखते हैं कैसे प्रिंट होगा, हम लोग हाईलाइट वगैरह यूज नहीं करेंगे कि हम लोग को स्टार प्रिंट करने को साथ में, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सो मैं यहाँ पर स्टार, ये स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ बी आर टैग ब्रेक लाइन के लिए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ओके, देख लेते हैं मेरा ये प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ओके, मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, यस, लेस, आ जाता हूँ अपनी कोडिंग वाली फाइल की तरफ, यानी कि वेब ब्राउजर जो है, रिफ्रेश, नया प्रिंट हो रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गया इसके अंदर, ओके, सो देख लेते हैं प्रोग्राम को रन करके, मैं आ जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर के अंदर, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम वाली फाइल भी मैं शेयर कर देता हूँ, मैं यस शेयर कर दिया, यस मेरा स्टार दिख रहा है, स्टार प्रिंट होके यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि स्टार हमने बनाया था, जैसा हमें स्टार चाहिए था आ चुका है, यानी कि वन स्टार,
टू स्टार थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार एक ब्रेक पिरामिड रेड्यूस हो गया स्टार। ओके सो कैसे हो रहा है? ओके सो ये कोड कोड दिख रहा है मैंने जो कंट्रोल यू किया है कोड दिख रहा है फॉर लूप का। ओके अभी इसमें देखो अभी मैंने कैसे पिरामिड प्रिंट किया अभी इसको देखने लॉजिक थोड़ा समझने इसका। अब जैसे फॉर में जो पहला मेरा फॉर लूप है मैंने जैसे बताया पहला फॉर लूप मेरा लेयर चेंजिंग के लिए और जो अंदर का जो फॉर लूप है वो स्टार प्रिंट करने के लिए। अभी कैसे वर्क कर रहा है? I is equal to 1, I less than equal to 5, I plus plus. Okay, so I is equal to 1, I less than equal to 5. तो I क्या पहला 1 है, तो 1 क्या है? छोटा है 5 से. Yes, यहाँ पर condition true. अंदर वाले for loop के अंदर आऊँगा मैं. J is equal to 1, J less than equal to I. तो J का value भी क्या है? 1 है. और I का value भी क्या था उधर? 1 है, जो true के अंदर आया था. तो 1 1 से छोटा है? नहीं, equal है. Yes, condition true. Condition true. तो यहाँ पर क्या होगा? एक star print करेगा. ओके यहाँ पर एक एक स्टार प्रिंट करेगा बराबर। फिर क्या है अभी जे वाला लूप क्या हुआ? जे वाले अभी मैं अभी जे वाले लूप के अंदर हूँ मैं। ओके सो कंडीशन कब जब लूप के कब तक बाहर रहेंगे? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो मैं लूप ये जे के लूप के अंदर हूँ। तो जो क्या होगा इंक्रीमेंट होगा वन से क्या हो जाएगा टू हो जाएगा इंक्रीमेंट में वन। तो यहाँ पर जे टू हो जाएगा यहाँ पर आई तो वन ही है तो टू लेस है वन से नहीं टू छोटा है नहीं छोटा है बराबर दो बड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो सीधा किधर आएगा ये लूप के बाहर आ जाएगा यानी कि डी यानी कि ब्रेक लाइन। अब वो दूसरे वाले लाइन यानी कि वो एक स्टार प्रिंट करके उसकी अगली लाइन पे चला जाएगा। ओके अब मैं कौन से लूप के अंदर आ गया? ये वाले लूप के अंदर आ गया यानी कि जो मेरा लेयर चेंजिंग वाले इसमें आ गया मैं ये वाले लूप में आ गया मैं। ओके सो यहाँ भी आई बढ़ेगा इंक्रीमेंट होगा तो आई बढ़ के यहाँ से वन से टू हो जाएगा। ओके मैं टू को चेक करूंगा कि टू लेस है फाइव से यस कंडीशन ट्रू। फिर वहाँ फिर यहाँ पर आऊंगा अब मेरे यहाँ पर जे भी टू है मेरा आई भी टू था मेरा तो अगेन टू टू से छोटा है नहीं इक्वल है कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या करेगा मुझे अब यहाँ पर टू टाइम स्टार प्रिंट करेगा। ओके फिर क्या होगा आई मेरा जे क्या था यहाँ पर जे मेरा टू था अभी इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ओके फिर यहाँ पर चेक करूंगा अब मेरा जे क्या थ्री है आई जो मेरा टू ही है तो थ्री लेस है टू से नहीं थ्री तो बड़ा है तो कंडीशन यहाँ भी क्या हो जाएगी लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर मेरा ये स्टेटमेंट आएगा यानी कि बी यानी कि ब्रेक लाइन अगेन मेरा नेक्स्ट लेयर में चला जाएगा न्यू लाइन में। फिर वापस यहाँ पर आऊंगा फिर मेरा टू भी क्या हो जाएगा बढ़ के थ्री हो जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा फिर चेक करेगा थ्री फिर फोर फिर फाइव तो ऐसे मेरा फाइव तक मेरा प्रिंट करके मेरे को स्टार्ट देगा। समझ में आया? पक्का? हाँ सर। ओके हाँ ओके कोई डाउट है अभी तक? नहीं वो टेबल में आपने जो पढ़ा है ना उसके okay, सो पैटर्न्स के और भी प्रोग्राम्स है जो मैं तुमको दे दूंगा मैं। ओके जो कि इसमें प्रोग्राम पैटर्न्स के एक दो प्रोग्राम और बनाना है चार पांच। ओके ठीक है सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे व्हाइल लूप। ओके 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 सर थैंक यू।